खबर मिल रही है कि लालू जी आने वाले हैं। हाँ जाएंगे शाम में, आज जाएंगे लालू। बता दे तो खिलन ना हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो फाइनल हो चुका है, लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो आज बिहार पहुंच रहे हैं और इस बात की औपचारिक घोषणा आपसे कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर दी है अपने सरकारी आवास दशकलो रोड से निकलने से पहले। आज वो फिर प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तारापुर जा रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुशेश्वर स्थान तारापुर में घूमने के बाद उन्हें ये पक्का लग रहा है कि अब बिहार में खेला होगा और दोनों ही सीटें RJD जीतने जा रही है। हालांकि लालू प्रसाद भी आज बिहार आ रहे हैं, इस बात का औपचारिक ऐलान तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले कर दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरे फीडबैक बहुत बढ़िया है और दोनों जगह से हम लोग जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि सभी लोगों का जो है प्यार मिल रहा है, सभी वर्ग सभी जाति सभी धर्म के लोगों का जो है प्यार हम लोगों को मिल रहा है। लोग जो बहुत ही आक्रोश में हैं सरकार से उठ चुके हैं, दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है विधायक दोनों जगह 15-15 साल तक उन्हीं के रहे, केंद्र में उनकी सरकार है, NDA के MP भी हैं, मतलब तारापुर कुशेश्वर स्थान से लेकर के केंद्र तक लगातार उनकी सरकार है और क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना प्यार आशीर्वाद दिए, क्षेत्र में कुछ हुआ है? आप कुशेश्वर स्थान चले जाइए, कमर तोड़ महंगाई कहते हैं, वहाँ तो कमर तोड़ सड़क है, आप हालत एकदम जो है बहुत ही क्षेत्र का बुरा हाल है। लोग नाव पर जो है निर्भर कर रहे हैं, हर जगह पानी लगा है, कहीं अस्पताल नहीं, कहीं कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं, कोई मतलब ब्लॉक थाना सब लोग परेशान हो चुके हैं और दोनों जगह प्रत्याशी को जो है लोग प्यार दे रहे हैं। अच्छा, लालू जी आने वाले हैं, क्या लगता है? खबर मिल रही है कि लालू जी आने वाले हैं। हाँ जाएंगे शाम में, आज जाएंगे लालू जी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उन्होंने आज कार्यक्रम है, आप जान रहे हैं, सबसे पहले तो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार कृष्ण बाबू जी की हम लोग जो है समारोह में हम लोग जो है बरबिग्गा जा रहे हैं, वही बरबिग्गा से बरबिग्गा से फिर हम लोग जो है झारखंड का दौरा है क्योंकि जैसे हमने कहा था, फिर शाम में हम लौट आएंगे। धुआंधार प्रचार किया जाएगा JDU की ओर से, आप सड़क की बात करें उधर कहा जा रहा है, आप देखिए ना पूरा कैबिनेट जो है पटना में नहीं नजर आएगा, कोई काम हो रहा है बिहार में? इन लोगों को कोई बिहार की चिंता थोड़ी ना, इन लोग तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इकलौते घूम रहे हैं और इधर पूरी कैबिनेट को झोंक दिया गया है और तो हम तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, ये लोग किस हद तक जा रहे हैं, हर चीज़ें बोलने वाली नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि खेला होगा, बीच में जो है विकास के नाम पे जनता मारते रह जाएंगे, ललन सिंह ने कहा है। क्या ललन सिंह ने कहा है कि 20 के चुनाव में जिस तरह से विकास के नाम पे वोट हुए थे, सरकार बने थी, भाई भाई कौन क्या कहता है जिसका जनता में जनाधार नहीं है, जो जमीनी हकीकत नहीं जानता, इस पे क्या टिप्पणी? आप जो बार बार कह रहे हैं कि एक बात तो सोचना पड़ेगा ना, आकलन कभी उन्होंने या किसी और ने किया कि तीसरी नंबर या चौथी नंबर की पार्टी कैसे बन गई? आप बार बार कह रहे हैं कि खेला होगा, कैसे आपको लगता है? हम बता दे तो खेला ना होगा। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज बिहार आ रहे हैं, वहीं दोनों ही सीटों पर RJD की जीत होने जा रही है। सड़क बिजली के मुद्दे पर जो NDA चुनाव लड़ रही है, जाकर कुशेश्वर स्थान में सड़कों की हालत देखे, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। और धुआंधार प्रचार अब शुरू हो चुका है, चर्चा इस बात की भी है कि लालू प्रसाद यादव वर्चुअल तरीके से लोगों से जुड़कर जब वो बिहार आएंगे तो कुशेश्वर स्थान तारापुर के वोटरों का अपने कार्यकर्ताओं का जोश मनोबल उत्साह बढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद आने के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं, कैसे भव्य स्वागत होता है उनका, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजर टिकी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।